दिव्य भारती का जन्मदिन 25 फरवरी को होता है। दिव्य भारती को बहुत कम उम्र में बहुत ही ज्यादा शोहरत नसीब हुई, लेकिन शायद किसी की नजर उन्हें लग गई और महज 19 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिव्या भारती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में 1990 में आई तेलुगु फिल्म मोबिली राजा से किया था। सिर्फ 3 सालों में वो 21 फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी। आज हम उन 8 अधूरी फिल्मों की बात करेंगे जो कि दिव्या भारती की मौत के बाद दूसरी एक्ट्रेसेस ने पूरी की और ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है फिल्म आंदोलन का। आंदोलन में दिव्या भारती की जगह ममता कुलकर्णी नजर आई थी, जिसके बाद ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन अपनी मौत से 4 महीने पहले दिव्या भारती ने इस फिल्म को साइन किया था। बात करें फिल्म लाडला की, तो इस फिल्म में आपने श्रीदेवी को देखा, लेकिन इस फिल्म में दिव्या भारती को साइन किया गया था। श्रीदेवी से पहले फिल्म मेकर्स की पहली पसंद दिव्या भारती थी, लेकिन उनके निधन के बाद बॉलीवुड की चांदनी को फिल्म लाडला मिली। इस फिल्म में श्रीदेवी एक्टर अनिल कपूर के साथ रोमांस करती नजर आई थी। बात करें फिल्म मोहरा की, तो इस फिल्म में भी आपको रवीना टंडन नजर आई है, लेकिन ये फिल्म दिव्या भारती के हाथ लगी थी। मौत से पहले दिव्या ने फिल्म मोहरा साइन कर ली थी, लेकिन बाद में यह फिल्म रवीना को मिल गई। इस फिल्म में रवीना अक्षय कुमार के साथ नजर आई हैं। जूही चावला की फिल्म कर्तव्य तो आपको याद होगी। इस फिल्म को पहले दिव्या भारती के पास ले जाया गया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ही दिव्या ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद जूही चावला को कर्तव्य फिल्म मिली और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बात करें अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म विजयपथ की, तो इस फिल्म में दिव्या भारती को साइन किया गया था। अजय देवगन के साथ दिव्या भारती पहली बार फिल्म विजयपथ में रोमांस करती दिखाई देने वाली थी, लेकिन उनके बाद इस फिल्म के लिए तब्बू को साइन किया गया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कामयाब साबित हुई। 1995 में रिलीज हुई फिल्म हलचल तो आपको याद होगी। हलचल में दिव्या भारती एक अहम किरदार में नजर आने वाली थी, लेकिन इस फिल्म में बाद में काजोल को साइन कर लिया गया और हलचल ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। मौत से पहले दिव्या भारती ने फिल्म धनवान में काम करने के लिए निर्देशक को हाँ कह दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिल्म करिश्मा कपूर को मिल गई, क्योंकि दिव्या भारती की अचानक मौत से फिल्म खतरे में पड़ गई थी। इस लिस्ट में आखिर में नाम आता है फिल्म अंगरक्षक का। फिल्म अंगरक्षक में दिव्या भारती सनी देओल के साथ नजर आने वाली थी, लेकिन अचानक हुई मौत के बाद फिल्म मेकर्स ने पूजा भट्ट को इस फिल्म में साइन कर लिया। आपको बता दें कि अंगरक्षक की तैयारी भी दिव्या भारती ने शुरू कर दी थी, लेकिन अफसोस ये दुनिया छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।